सब्सक्राइब कीजिए इस QCL YouTube चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर, इससे आप नहीं कर पाएंगे किसी भी अपडेट को मिस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हेलो एवरीवन। आज है 29 अगस्त 2019 और आज के करंट अफेयर की हम शुरुआत करते हैं। अच्छा सेशन होता है हर रोज, जैसा कि आपको पता ही है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एकीकृत प्लास्टिक से अभी डीजल बनाने के लिए एक सेंटर किसने खोला है? तो एकीकृत प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है और इससे डीजल बनाया जाएगा, इसके लिए एक सेंटर खोला है अभी उत्तराखंड ने, उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के देहरादून में ये सेंटर खोला है और ये प्लास्टिक से डीजल बनेगा और 1 टन प्लास्टिक से 800 लीटर इसका वो होगा। अब 800 किलो कह रहे हैं तो भी कम नहीं है, 8 कुंटल। आप ये हिसाब रखिए कि 1 टन प्लास्टिक से 8 कुंटल डीजल बनेगा। अब ये उत्तराखंड के देहरादून में खुला है प्लास्टिक से डीजल बनाने का के लिए एक सेंटर। तो इसके उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्या। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आप लोगों को पता है अमेजन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में आग लगी हुई है। तो अमेजन वर्षा वनों में आग लगी हुई है, इसके लिए आपातकालीन यानी इमरजेंसी एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना है। तो ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ, इसका प्रस्ताव किसने मतलब लागू किया है? तो पेरू, पेरू एक कंट्री है, इसके लिए आपातकालीन शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव मतलब पारित किया है। पारित का मतलब सोचा है, यहाँ पर ये कोई लीगल एक सोचा है कि शिखर सम्मेलन होना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए पेरू रेन फॉरेस्ट, जो पेरू ने सोचा है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसमें जो आग लगी है उसके ऊपर। क्योंकि देखिए अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार अमेजन वर्षा वनों में 85% ज्यादा आग लग रही है। अब 85% आग लगने की बढ़ोतरी हो गई है, इतनी ज्यादा आग लगती है। और आपको पता है अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन वर्षा वन जो है ये पूरी दुनिया के यानी पूरी जमीन के लंग ऑफ द प्लैनेट यानी अर्थ, लंग ऑफ द प्लैनेट यानी प्लैनेट के फेफड़े कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अकेले ही दुनिया में 20% ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। 20% ऑक्सीजन जो है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट से मिलता है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNCCD COP का 14th जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ होगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो UNCCD COP की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। और भारत में कहाँ होगी? नई दिल्ली में। कहाँ होगी? न्यू दिल्ली में। तो देखिए UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन और COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका 14वां कॉन्फ्रेंस होगा जिसकी मेजबानी का अभी जिम्मेदारी मिली है भारत को और ये होगी नई दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? तो वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी है S. धामी। कौन बनी है? S. धामी। तो वैसे इनका नाम थोड़ा सा टफ है, इनका नाम सेल्सी है, तो इसलिए आप S. धामी याद रखिए। तो ये पहली कमांडर बनी है। अब इसके इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो कौन है? तो इसके जो कैप्टन है, चीफ है BS धनोवा। कौन है? BS धनोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने ATM विड्रॉल के लिए OTP सुविधा लॉन्च की है? तो कैनरा बैंक ने ATM विड्रॉल, अगर आप अब 10,000 रुपए से ज्यादा पैसे रुपए निकालते हैं, 10,000 से ज्यादा, तो उसके लिए OTP आएगा। पहले वो OTP को आप वेरीफाई करवाना पड़ेगा और तब आप कैनरा बैंक से पैसे निकाल सकते हैं 10,000 से ज्यादा। तो 10,000 से ज्यादा पर ये है ATM विड्रॉल OTP सर्विस, किसकी? कैनरा बैंक की। अभी कैनरा बैंक की बात है तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में।
इसकी स्थापना कब हुई? 1906 में। कब हुई? 1906 में। इसके ये हेड कौन है? टी एन मनोहर। कौन है? टी एन मनोहर। ये इसके सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव यानी एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी हिम्मत ऐप का लॉन्च किया है, हिम्मत प्लस ऐप, ये किसके लिए है? तो ये भी महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक ऐप लॉन्च की है, हिम्मत प्लस। देखिए होता क्या है कि महिलाएं टैक्सी लेती हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स और एयरपोर्ट एटसेट्रा, बहुत सारी जगहें हैं जहां से वुमेन्स को क्या होता है, टैक्सी हायर करनी पड़ती हैं। तो उस वो इस पे क्या है, असल में क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ऐसे था कि जो हिम्मत प्लस ऐप है उस पर क्यूआर कोड सुविधा किसने लॉन्च की है? तो हिम्मत प्लस ऐप ने की है। अब ये क्यूआर कोड सुविधा क्या है? तो जब ये टैक्सी हायर करेंगी तो जब ड्राइवर जब टैक्सी लेके आएगा तो वो क्यूआर कोड के जरिए ये चेक कर सकती हैं कि ड्राइवर ऑथराइज्ड है या नहीं। यानी ऑथराइज्ड जो ड्राइवर होंगे उन्हें ही आप टैक्सी चला सकते हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं चला सकते। तो वो जो ऑथराइज्ड होंगे तो टैक्सी चलाएंगे, और जब उनके ऑथराइजेशन का पता चल जाएगा क्यूआर कोड के जरिए तो महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो हिम्मत प्लस ऐप पर क्यूआर सुविधा लॉन्च की है महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए। किसने लॉन्च किया? हिम्मत प्लस ऐप ने, क्यूआर कोड सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एमएसएमई के लिए लोन फैसिलिटी किस बैंक ने यूज की है? तो एमएसएमई के लिए लोन फैसिलिटी, लोन इसके लिए एक्चुअली एक सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। क्या बनाया है? सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। और किसने बनाया है ये बनाया है इंडियन बैंक ने। किसने? इंडियन बैंक ने। अब इंडियन बैंक की बात है, देखिए इंडियन बैंक ने क्या है कि केंद्रीकृत प्रसंस्करण के ट्रेनिंग नहीं है, इसको बोलेंगे प्रसंस्करण, हिंदी में है। अब प्रसंस्करण की आपको इंग्लिश देखनी पड़ेगी, मुझे इतना वो नहीं था टाइम कि मैं आपको उस वक्त देख के बता देती। प्रसंस्करण की इंग्लिश देखिएगा। तो ये इन्होंने एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल फाइनेंस एंड एंटरप्राइजेस, क्या? माइक्रो स्मॉल फाइनेंस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दोबारा सुन लीजिए, माइक्रो स्मॉल फाइनेंस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसके लिए, इसको लोन देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए ये बनाया है केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र। किसने? इंडियन बैंक ने। अब बात इंडियन बैंक की है, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। इंडियन बैंक की मैंने कल भी बात की थी, इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी वो कल आप रिवाइज कर सकते हैं कल की वीडियो से। इंडियन बैंक की सीईओ कौन है? तो पद्मजा चुदरू, ये इसकी एमडी एंड सीईओ हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाटर मैनेजमेंट के लिए तीसरी दफा जाने जाने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो थर्ड टाइम गुजरात में फिर से ये ले लिया है श्रेय, ये क्रेडिट मिला है गुजरात को, और वाटर मैनेजमेंट के मामले में इसको सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जा सकता है। तो ये आपको इतना इसमें याद रखना है। अच्छा, और तो बहुत देखिए कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि एक आध क्वेश्चन, मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ऐसे एक आध दो क्वेश्चन छोड़ देती हूँ। लेकिन अगर मुझे फिर भी उसकी इम्पॉर्टेंस नज़र आती है तो मैं नेक्स्ट सेशन में अटेंड कर लेती हूँ अगली क्लास में। अच्छा, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में सेशेल, ये बॉलर हैं, सेशल बॉलर, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है, ये कहाँ के हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के हैं, सेशल राइट नाम है इनका। क्या है? सेशल राइट। और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है, 85 वर्ष के हैं। कितने साल के हैं? 85 साल के। अब ये जो है इन्होंने 7000 मैच खेले हैं अभी तक, 7000। तो वेस्ट इंडीज के हैं, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये सुन लीजिए। हाल ही में ओलंपिक 2020 होने वाले हैं, आपको पता है। इसके लिए एक, मैं आंसर ही बता देती हूँ सीधे सीधे, किसके लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है, वो कहाँ हुआ है, क्वेश्चन ये था। तो वो हुआ है जापान में, और किस नाम से हुआ है? तो हुआ इंड टोक्यो। किस नाम से? इंड
टोक्यो, INDTOKYO, INDTOKYO, ये 2020 में जापान में ओलंपिक होने, ये कौन से ओलंपिक होंगे, समर ओलंपिक है, कौन सा समर। अब इसके लिए पैरा ओलंपिक के लिए जो जितने भी प्लेयर्स होंगे तो इनकी एक रैली निकलेगी, रैली जो निकलेगी तो उस रैली में इनको कैसे गाइड किया जाए, इनको प्लेस बताया जाए, ध्यान रखा जाए ताकि बेहतर तरीके से ये पैरा ओलंपिक हो सकें, इसके लिए ही ये इंड टोक्यो ऐप जापान ने लॉन्च की है। तो कैसा लगा आज का सेशन? सेशन तो आपको अच्छा ही हो लगेगा, इसको शेयर कीजिए अपने लेवल पर, ये आपके लिए ज़रूरी है, जो भी नॉलेज आपको हो वो दूसरों को डिलीवर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।